और आज हम इंदौर से भी कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ बाहर जा रहे हैं वो भी तुम इस ब्लॉग के नहीं बंद कर दे। हाँ बस उसी की कमी है। ये लौंडा अपनी पैंट संभाल रहा है बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। एंड वो सोच रही है। लगभग 10:01 हो रहे हैं और अपन अब जा रहे हैं गणपति विसर्जन में। वैसे तो कल हो गया हर जगह, बट हमारे कॉलेज में आज रखा तो हम आज जा रहे हैं। और आज हम इंदौर से भी कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ बाहर जा रहे हैं वो भी तुम इस ब्लॉग के आगे जाके देख लेना। इसलिए सब गुड मॉर्निंग टू, उम्मीद करता सबके सब बढ़िया बढ़िया रहना। तो अपन जा रहे हैं स्कूटी से, लड़की लोग आएंगे अपना कैब से, क्योंकि इन लोगों ने कर रखी पहन रखी है साड़ी। बस फटाफट से अपन निकलते गाड़ी से, तुम्हें दिखाते हैं, इंजॉय कराते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत तगड़ी सीरीज चालू होने वाली है। क्या सीरीज है आगे दिखाई देंगे। तो वालक देखो अभी बज रहा है 4:00 इतना। कॉलेज से आए हो, काफ़ी देर हो चुके हैं, कॉलेज से आ गए 3:00 एंड फाइनली चलो अपना कैब भी आ गई है। तो अपन जा रहे हैं ट्रिप पे। वो ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर को भी बताता हूँ फटाफट से। पहले रेलवे स्टेशन पहुँच गए, उदयपुर जा रहे हैं। अबे साले हैं नहीं, हम गोवा जा रहे हैं। अरे हाँ इधर नहीं, हाँ इधर नहीं दिखाना। चलो पहले गाड़ी में सामान सर दे। भैया टिक्की खोलना नहीं, बंद कर दे। हाँ बस उसी की कमी है। तो वाला देखो फाइनली स्टेशन पहुंच गए हैं। ये रही हमारी ट्रेन, ठीक है। अपने सारे बंदे आ रहे, दो बंदे अपने ये रहे। इनके डिस्कशन चल रहे बाहर, इसलिए खड़े क्योंकि एसी बिल्कुल नहीं चला, गर्मी हुई है नेक्स्ट लेवल की। और अपन कहाँ जा रहे हैं, बस सारे दोस्त वगैरह आ जाए फिर वहीं डिस्क्लोज करते हैं कि क्या रीजन है हमारा ट्रिप जाने का। भाई 24 हो गए, कहाँ रह रहे सभी? 40 की ट्रेन है, आ ही जाएंगे। तो देखो सारे के सारे ना आ चुके। ये लोंडा अपनी पैंट संभाल रहा है, ठीक है। इसको दो पल के लिए इग्नोर करो भाई, अपना है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। चल झूठा। एंड वो सोच रही है, देख ये भी सिंगल है। इसकी शक्ल पे दिखता है कि शी सिंगल। हेलो गाइस, कैमरामैन जल्दी। और दूसरी चीज, हम उदयपुर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस लड़की को इंदौर का माल पसंद नहीं आ रहा था। मतलब इसको हमने इंदौर के बहुत सारे लड़के दिखाए थे, बट समझ रहे हो, यही तो बात है, यही तो बात है। और मेरे ब्लॉग के टीचर्स, मेरे ब्लॉग के टीचर्स भी देखते हैं। यही तो पैराडॉक्स है कि इसको मैं लड़के दिखाना खूब सारे, तो इसका नाम आता सौरभ का है। सुन्नी का मतलब पता है, गाली होती है तमिल में। अभी आगे कुछ होता तो दिखाते जरा, बाकी इसको छोड़ो। इसको आई एम द फेस ऑफ द चैनल, छोड़ो। अरे मेरे को कैसे छोड़ेंगे, मैं तो तू भी काला है। मैं गोरा हूँ, ठीक है। मैंने लोगों की माँ बहन करके चैनल ग्रो करा है। बस आप हाँ बोलो,
तो अभी देखो, अभी बज रहा है 9:11, अभी स्टॉप लिया अपन लोगों ने रतलाम का। क्यों? क्योंकि इस लड़की को लग रही है भूख, क्योंकि लड़के की प्यास में ठीक है। तो अपन जा रहे हैं चाय पीने, और इतना दूर जाना है, मतलब दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा, और एक हमारा मतलब इतना दूर तक जाना है। एंजॉय करो, एक काम कर, तुम मेरे मुंह में प्लग डाल, बहुत नकली है, ज्यादा हो गया। जल्दी उसको ना कर, जल्दी जल्दी कर, चल चल मैं दिया से पैसा ले लेना, काट ले आज जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वाले देखो, अभी हम पहुंचे, कौन सा स्टेशन है? निमच। निमच स्टेशन से पहले तुमने केक कटिंग की वीडियो देख ली होगी। वैसे किसका आइडिया था गंदा सा केक कटवाने का? मतलब यार, एक चाकू नहीं लाया गया इन लोगों से, जैसे तुमने फुटेज देख लिया होगी। कैसे इंटीरियर के कार्ड्स होते हैं ठीक है। देखो, जिंदगी में अलग एक्सपीरियंस लेना था, ये भी ले लिया। नथिंग, क्या बोले, ठीक है। बस भूख लग रही है हम लोगों को बहुत भयंकर वाली। हम 4 बजे पहुँचेंगे जयपुर, पर 4 बजे भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो बहुत स्ट्रगल है जिंदगी में। ओ भाई, सामने ना बंद है दुकान। वाले देखो, अभी अपन चित्तौड़गढ़ में हैं, वोरा स्टेशन। ये रहे हम। ये भैया घूम रहे हैं बाहर अपने बैग से चकना वकना निकालने के लिए, क्योंकि हमें लग रही है बहुत तगड़ी वाली भूख। अभी बज रहे रात के 1:31, जैसा कि तुम देख पा रहे होगे। 4 बजे तक पहुँचेंगे, नींद अपने को आ नहीं रही है। क्या होगा, अब नहीं मिलो बैग? तो बस ऐसी जा रही हमारी ट्रेन जर्नी, ऐसी जा रहा हमारा बर्थडे। सोचो बर्थडे के दिन मैं ट्रेन में बैठा हूँ, धक 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 चल रहा, समझ रहे जज्बातों को? चटपटा खाना भाई के बैग से, देखो क्या निकल रहा है। बिस्किट, मीठे बिस्किट, बिस्किट एक्स्ट्रा मीठे, ये तो एक्स्ट्रा मीठे। केक्स मीठे, तो सही से खा जी। ये मैं खाता ही नहीं। यही है जो जिंदगी, अब क्या मीठा खाना पड़ेगा भैया? नो देख कुछ। वो बच्चा देखो जिंदगी से परेशान, पता नहीं क्या कर रहा है। आइए। बोलो तो क्या गजब हो गया, धीरे से बात करो, कि थोड़ा सा चिल्ला गई है हम लोगों पे। क्या चिल्ला के गया लोग का तुम्हारे? थोड़ी देर क्या दिक्कत है यार, अब भाई पे चिल्ला के चला गया यार। मतलब हम गेट खोल खोल के बाहर जा रहे थे ना, बार बार तुम पे थोड़ा चिल्ला के चला गया था, बट कोई बात नहीं, चलता है। तो भाई देखो, फाइनली कुछ कोट मिल गया। ये बंदा बाहर गया था, ये बर्गर लिया है जिसमें मेरे को नहीं लग रहा टिक्की है, उसके अंदर पकौड़े पकौड़े और ये पोहा है। तो पूछा बड़ा हुआ है कि कहता बर्गर है, उसका ना पकौड़े है 20 रुपये का। मतलब 20 रुपये से तो महंगी लग रही है चीज़। खाते हैं और खा के बताते हैं कैसी है। जो आप सो यही है ये, अब क्योंकि दो स्टेशन है इसका शायद, दो या तीन। तो भाई देखो, ये तो बहुत गंदा है। इसकी अगर मैं बात करूँ, पूरा समोसा है, अंदर पकोड़े देखो, दो गिनती के, गिनती के ये दो पकोड़े हैं, ये छोटे से दो पकोड़े दिख रहे हैं। इसको बोला गया बर्गर, इसको बर्गर बोला गया, ये पूरा बंद है। वैसे ये दो पकोड़े चित्तौड़ का स्टेशन पे खाना नहीं खाना कभी भी। हाँ, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, मत खाना का कुछ लेके आ जाओ भाई की तरह, बस मीठा मत लाना। भाई बहुत गंदा है यार, बहुत ज़्यादा। बस मजबूरी है खाना खाना पड़ेगा, भूख लग रही है तेज, क्योंकि वहाँ जाते भी 4 बजे कुछ मिलने वाला नहीं है। गड्डी में सीधी चला। तो वाले देखो, रोते रोते हम पहुंच गए, इग्नोर करो। अच्छा बोल दूँ, ठीक है ठीक है ठीक है,
मुंह उधर कर ले। ठीक है यार, रोते रोते पहुंच गया। भाई ने बहुत अच्छा चीज खिलाई मेरे को, और तू मीठा रखना बंद कर। भाई साहब मीठा रखा इसके पास, रखने के बाद इसको रात में हुई स्नैक्स खाएगी चूज। मैं वैसे बिस्किट मीठे डार्क पॉइंट निकला है, मेरे में चिप्स रखे हुए थे। अब तुम सो रहे थे ना घोड़े बेच के? कोई घोड़े बेच के नहीं सो रहे, तुम पूछ के था। ओए ये रखे हुए थे इतने सारे, अब इसने मना कर क्या ही 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 क्या बात। तो वाला देखो ये हो चुकी है सुबह, इस व्लॉग को करते खत्म। अच्छा तेरी खराटे वाली वीडियो सबको भेज दूंगा मैं, समझा ना? फिर से रात भर तूने खराटे लिए। सुबह आए थे, फ्लैट लिया है, बिल्डिंग ले लिया है, क्या प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे अगले व्लॉग में। ब्लॉग खींच गया बहुत लंबा, मस्त है ना। तो अभी का हिसाब किताब का स्कूटी लेने जाना है, तो अगले ब्लॉग हमारे साथ चल रहा है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक है, तो ये वीडियो का जहाँ तक देख ले तो लाइक करो, नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय गुड बाय। CBSE तो अके मोड़ देंदे पखे, तोड़ देंदे स्विच बोर्ड, फेल कीते प्री बोर्ड, 12वीं तक पहुंचे आपा दे दे के तके।